अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DHACT के करंट रेट्स क्या हैं इस हवाले से, और मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि DHACT में जो इस्लामाबाद वैली की फाइलें शिफ्ट हुई हैं वो किस किस जगह और कितने सब सेक्टर बने हैं, DHACT में कितने एक्सटेंशन जो नए आए हैं वो कितने हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। और उसके अलावा आप लोगों को थोड़ी सी मैं मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा अपनी इस वीडियो के हवाले से कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, आप लोगों को DHACT में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। ठीक है जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और नई नई वीडियोज़, नए नए टॉपिक्स आप लोगों को बताता रहूँगा, आप लोगों को नई नई चीज़ें मार्केट के हवाले से अपडेट करता रहूँगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं जो द वैली की फाइलें शिफ्ट हुई हैं, इस्लामाबाद वैली की फाइलें शिफ्ट हुई हैं कराची DHACT में, वो 12,500 तकरीबन प्लॉट थे जो यहां शिफ्ट हुए हैं, जिसमें कोई 1,000 या 1,200 या शायद 1,300-1,400 जो है वो 200 गज के प्लॉट थे और बाकी सारे 125 गज के प्लॉट हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब सेक्टर कितने बने हैं, मतलब नए जो सेक्टर DHACT में बने हैं वो कितने हैं। सेक्टर 3A और B पहले से ही था, सेक्टर 3C जिसमें 200 गज और 125 गज के प्लॉट हैं, सेक्टर 3D और सेक्टर 3E, ये तीन सेक्टर जो है सब सेक्टर ऐड हुए हैं, इसमें 200 गज और 125 गज की कैटेगरी है। उसके अलावा सेक्टर 6 में ABCD पहले से मौजूद था, सेक्टर 6 में 6E, F, G और H, ये चार सब सेक्टर ऐड कर दिए हैं DHA वालों ने और इसमें सिर्फ 125 गज की कैटेगरी है। इसके बाद सेक्टर 9 में अगर आप आ जाएं तो 9 में सिर्फ सेक्टर सब सेक्टर जो है वो 9E ही आया है, 9ABCD पहले से ही मौजूद है जिसमें 200 गज की, 300 गज की और 500 गज की कैटेगरी है। इसके बाद सेक्टर 12 में अगर आप आ जाएं तो 12 में ABCD पहले से ही मौजूद था जिसमें 500 गज की कैटेगरी थी और अब जो है सेक्टर 12E, F और G, ये तीन ऐड कर दिए हैं DHA ने सब सेक्टर और इसमें 125 गज के प्लॉट हैं। इसके अलावा सेक्टर 13EFG, सेक्टर 13EFG, सेक्टर 13 में सिर्फ F और G ऐड हुआ है, E तक पहले से मौजूद था। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने जो ये गाइड किया ये समझ आ गया होगा। अब हम इनके रेट्स के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं जी मुझे सेक्टर 3C में, सेक्टर 3C में 125 गज का प्लॉट आप ले दें। तो मैं उनको बताता हूँ जी सेक्टर 3C में 125 गज का प्लॉट जो है वो 36 लाख रुपए की डिमांड है, 35 लाख की डिमांड है। तो वो मुझे मेरी वीडियो का हवाला देते हैं कि जी आपने अपनी वीडियो में बताया था कि सेक्टर 3 में 32 लाख रुपए से ज़्यादा का रेट नहीं। मैंने जब भी वीडियो में हवाला दिया है रेट का तो मैंने साथ में सब सेक्टर ज़रूर बताया है। सेक्टर 3E में इस वक्त 32 लाख रुपये, 32.5 लाख रुपये का रेट है, सेक्टर 3C में 34 से 35 लाख रुपए का पक्का पक्का रेट है, और सेक्टर 3D में अगर आप आ जाते हैं 125 गज में वहाँ भी 33-34 से कम नहीं मिलेगा। सेक्टर 3C जैसे ही हम DHACT के अंदर इंटर होते हैं तो जो गोल चुरंगी आ जाती है उसके बिल्कुल नीचे की साइड पे है और बहुत अच्छी लोकेशन है उसकी। उसके बाद थोड़ा सा आप लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएं वहाँ से तो D और E आ जाता है। सेक्टर 6 में अगर आप आ जाएं तो 6 में ABCD आपको नक्शे पे नज़र आ रहा है, उसके राइट हैंड साइड पे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप अंदर गेट से अंदर इंटर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे आप नज़र रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको उसके एक्सटेंशन मिलेंगे। इसी तरह तमाम एक्सटेंशन जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही आए हैं। सेक्टर 6 में ई में, एफ में, जी में, एच में मिलता जुलता रेट है क्योंकि उनकी लोकेशन ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन वहाँ पर रेट 26 से 27 लाख, लोग कल से लोग जो है या परसों से 28 लाख की, 28.5 लाख की डिमांडें करने लग गए हैं, लेकिन मार्केट में आपको ऑफर जो है वो बस यही आती है 26 की, 26.5 की, 27 की मैक्सिमम। 9E में भी आपको जो है वो 26-27 के ब्रैकेट में ही प्लॉट कोट होगा और उसकी ऑफर भी इसी के दरमियान आपको मिलेगी, लेकिन 9E सिर्फ 9E है। आप लोग 6E में प्लॉट ढूंढ रहे हैं या 6G में, F में या 6H में, उनमें थोड़ा थोड़ा प्राइसिस का फ़र्क है। अच्छा, 12EFG में ऑलमोस्ट एक जैसा रेट है और वहाँ पर भी 25 से 27 लाख के ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाता है। 13
एफ और जी में वहाँ पर भी यही रेट है, और 13F और G में लोग कह रहे हैं कि जी DHA जो मलीर एक्सप्रेसवे बना रहा है वो वहाँ लैंड करेगा, इसलिए वहाँ की प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए आने वाले दिनों में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ प्राइसेस के हवाले से आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह सेक्टर 3C में अगर आप 200 गज का प्लॉट लेते हैं तो वो 52-54 लाख की सराउंडिंग में है लोकेशन वाइज। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी हमें पार्क फेसिंग प्लॉट दिला दें, तो पार्क इस वक्त नहीं है वहाँ पर नक्शों में, पार्क आप लोगों को बहुत लिमिटेड छोटी जगहों पर नज़र आ, तो पार्क जो है वो नहीं है। और अलबत्ता आप लोगों को कॉर्नर प्लॉट मिल जाएंगे, कॉर्नर प्लॉट अवेलेबल हैं, कॉर्नर प्लॉट अगर आपने लेना हो तो वो मार्केट से 1.5-2 लाख रुपये के डिफरेंस पर आप लोगों को मिल जाएगा। लो जी, ये तो बात हो गई जी मार्केट के रेट्स की। DHA वैली 125 गज और 200 गज का मैंने रेट दिया है, DHA सिटी में जो प्लॉट शिफ्ट हुए हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ मार्केट का फर्दर पुरानी ओल्ड कैटेगरी का किसी का रेट शेयर नहीं किया। आप लोगों में से किसी को रेट चाहिए हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अब जनाबे वाली मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, DHA सिटी में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट किस जगह करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जितना आप लोगों का बजट है ना, आप अपने बजट के हिसाब से जो चीज़ मिलती है आपके बजट के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें। जब पूरी मार्केट में रेट बढ़ना शुरू होंगे तो आपने जो भी चीज़ ली होगी उसका रेट ज़रूर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो प्लॉट लिया है वो नहीं बढ़ेगा और बाकी सारी मार्केट जो है वो तेज़ हो जाएगी और बाकी सारी मार्केट के रेट ऊपर चले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब भी मार्केटें चलती हैं तो ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, सबकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अगर कल परसों में या हफ्ते में या 10 दिन में अगर सेक्टर 6 में जो लोग 28 लाख मांग रहे हैं वो 30 लाख अगर मांगने लगेंगे, तो ग्रेजुअली जो सेक्टर 9 और 12 है वो भी 25 या 26 के ब्रैकेट से निकल के 27-28 की तरफ आ जाएगा। इसी तरह सेक्टर 13 जो है वो भी 25-26 के ब्रैकेट से निकल के 27 के ब्रैकेट से निकल के 28-29 की तरफ आ जाएगा। तो ओवरऑल मार्केटें जब चलती हैं तो वो ऊपर जाती हैं और सब जगह हवा लगती है। तो आप लोगों ने ये फैसला करना है कि आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ खरीद रहे हैं। बस जो आपका बजट है, जो आपके बजट में आता है वो आप ले लें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि जी आपने सेक्टर 3 में ही प्लॉट लेना है और सेक्टर 3 का ही बजट आपका होना चाहिए। अगर आपका बजट जो है वो अगर आप सेक्टर 3 में लेना चाहते हैं और अभी आपका बजट सेक्टर 13 में या सेक्टर 12 के लिए फिट होता है, आप सेक्टर 12 में एक प्लॉट लेकर रख दें और जब आपका बजट और इंक्रीज हो जाए उस प्लॉट को आप स्विच कर लें, उस प्लॉट को आप बेचें और दूसरा प्लॉट ले लें। वीडियो आज लंबी हो गई है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी। और देखें दोस्तों, आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ और आप लोग अगर मुझसे कोई चीज़ ख़रीदने आते हैं तो ये एक ट्रस्ट होता है आपका मुझ पर और मेरा आप पे। तो ऐसा नहीं है कि जनाब मैं आपको यहाँ गाइड कुछ और करूँगा, आपको चीज़ कुछ और दिलाऊँगा या आपके साथ कोई उल्टी सीधी बात करूँगा। तो जब आपने मुझसे चीज़ लेने के लिए आना है तो मुझ पर फुल ट्रस्ट करके आना है। आपका अगर ट्रस्ट शेकी है तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।